पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो यह बढ़ाया गया है विक्रम मिस्त्री का। अगर प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो टीवी सोमनाथन को जो है कैबिनेट सचिव बनाया गया है, गोविंद मोहन को गृह सचिव, राजेश सिंह को रक्षा सचिव तथा विक्रम मिस्त्री को तो विदेश सचिव बनाया गया है। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव तथा विक्रम देवदत्त को कोयला मंत्रालय सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी को विश्व की सबसे अस्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है हिंडाल्को, जो कि आदित्य बिरला की कंपनी है। अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है नोमान अली तथा अमेलिया केर को। एलिक्स डिडियर फिल्म एईम ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह ली है हैती के प्रधानमंत्री के रूप में। हैती, जिसकी राजधानी पोर्ट आ प्रिंस तथा इसकी मुद्रा है हैतियन गोटे, प्रधानमंत्री तो बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोच ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है सुमा सिरूर ने। हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है माइक वाल्टज को। भारत और किस देश के बीच पातशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो यह हुआ है भारत और रूस के बीच में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का नया चेहरा किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, मुद्रा मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव तथा राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं तथा लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन जीता है? तो यह जीता है पंकज आडवाणी ने। यह इनकी 7वीं बार लगातार जीत है। हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध मृदंग विद्वान थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अरविंद सिंह साहिनी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है दरभंगा में।